नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है। हमने पिछले व्याख्यान में 1909 के मार्लियामेंटो सुधार का अध्ययन किया था और मैंने आपको बताया था इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ ये है कि ऐसे निर्वाचन मंडल में उम्मीदवार और मतदाता दोनों ही मुस्लिम होंगे। तो 1909 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस रूप में कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना करके तो किस तरह अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति को आगे के बीज बोए और जिसका परिणति आगे चल के देश के विभाजन में हमें देखने को मिलती है। इसी क्रम में दूसरा अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 का नाम दिया जाता है और संक्षेप में से मॉन्टेग्यू चेफोर्ड सुधार भी कहा जाता है क्योंकि उस समय राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू थे और लॉर्ड चेफोर्ड भारत के वायस रहे थे। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और ब्रिटिश शासन को भारतीयों के प्रति उत्तरदायी बनाना, क्योंकि 1917 में ही मॉन्टेग्यू ये बात कह चुके थे कि ब्रिटिश शासन का जो उद्देश्य है वे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है। तो 1919 का अधिनियम महत्वपूर्ण है भारत में उत्तरदायी शासन के रूप में, क्योंकि प्रांतों में पहली बार एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। यद्यपि ये बिल्कुल शुरुआती दौर में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना थी, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत में उत्तरदायी शासन के लिए, क्योंकि पहली बार राज्यों के जो विषय थे, प्रांतीय विषय थे, उस पर जो कानून बनाने का हक गवर्नर और उसकी उन मंत्रियों को होता था जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि यहाँ विषयों को दो भागों में, शासन के विषयों को दो भागों में व्यक्त किया गया। एक केंद्रीय विषय माने गए, दूसरे प्रांतीय विषय माने गए। तो केंद्रीय विषय वे हैं जिनका एक से ज़्यादा राज्यों से संबंध है, इसमें रक्षा, मुद्रा, ये सारे केंद्रीय विषय माने गए। राज्य से जो जुड़े हुए विषय हैं, प्रांतीय विषय, वे माने गए जिनका संबंध स्थानीय प्रशासन और सामान्य कानून व्यवस्था से होता है, तो उनको प्रांतीय विषयों में। इस तरह जैसे संघात्मक शासन प्रणाली में हम शासन की शक्तियों को दो स्तरों पर विभाजित करते हैं, केंद्रीय और प्रांतीय, उसी तरह 1919 के अधिनियम में शासन के शक्तियों को दो स्तरों पर, केंद्रीय और प्रांतीय स्तरों पर विभाजित किया गया। यद्यपि हम इसे पूरी तरह एक संघात्मक शासन प्रणाली नहीं कह सकते, क्योंकि कई गवर्नर जनरल की जो शक्ति है और राज्यों में गवर्नर की जो स्थिति थी वो इसे पूर्णतया एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में परिणित नहीं करती थी, लेकिन फिर भी हम इसके शुरुआती लक्षण, संघात्मक शासन प्रणाली के शुरुआती लक्षण हम 1919 के अधिनियम में देख सकते हैं। तो प्रांतों को केंद्रीय, केंद्र के विषयों और प्रांतों के विषयों को अलग अलग किया गया। प्रांतों और दोनों को, केंद्र सरकार को केंद्रीय विषयों पर और प्रांतीय विषयों को प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ ये बात भी की गई कि केंद्र के स्तर पर एक दुशासनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य थे और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, जिसका दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा जिसमें 145 है, यानी केंद्र में दुशासनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। राज्य को, राज्य और केंद्र के विषयों को बांटा गया केंद्रीय और प्रांतियों में, प्रांतीय विषयों में, और साथ ही साथ पहली बार ये हुआ कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद जिसमें कुल 8 सदस्य होते थे, गवर्नर जनरल, एक चीफ ऑफ स्टाफ और 6 और सदस्य होते थे, तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद जिसमें 6 सदस्य होते थे उसमें पहली बार ये निर्णय किया गया कि उसमें 3 सदस्य भारतीय होंगे। तो इस तरह
भारतीयों को सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई और साथ ही साथ प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक है आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का जो निर्णय है वो गवर्नर जनरल, गवर्नर, राज्यों का गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता है। वहीं हस्तांतरित विषयों का जो निर्णय है गवर्नर अपने उन मंत्रियों के सहायता से करेगा जो राज्य की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो पहली बार हस्तांतरित विषयों में भारतीयों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया गया और उन मंत्रियों द्वारा निर्णय लिया गया जो अंत में केंद्रीय विधानसभा के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो इस तरह प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई, क्योंकि प्रांतों के विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया और आरक्षित विषय में 28 विषय रखे गए और हस्तांतरित में 22 विषय रखे गए और हस्तांतरित विषयों के मामलों में भारतीय और साथ ही साथ निर्वाचन क्षेत्र का भी विस्तार किया गया। यद्यपि पूरे अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में सीमित मताधिकार की व्यवस्था थी, क्योंकि भारत में उस जमाने तक कभी भी वयस्क मताधिकार की प्रणाली को नहीं अपनाया गया था। मतदान करने की योग्यता पाने के लिए कई शर्तों का पालन करना जरूरी था, उसमें संपत्ति संबंधी योग्यताएं और शिक्षा संबंधी योग्यताएं भी होनी जरूरी थी। तो मत देने का अधिकार जो आज की तारीख में हमारे लोकतांत्रिक संविधान ने 18 वर्ष से ऊपर सभी वे 18 वर्ष तक के से सभी बिना किसी जाति वर्ग नस्ल का भेद करे हुए संविधान ने प्रदान किए, वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान सीमित मताधिकार प्रदान था। उसके लिए कुछ शिक्षा और आय की योग्यताएं होनी आवश्यक थी। तो इस तरह 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत में उत्तरदायी शासन की प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत करता है।